हेलो गाइज, हाउ आर यू। आज है 19 मई 2019 और आज से करंट अफेयर रिलेटेड जो भी बड़ी खबरें हैं और एग्जाम्स के लिहाज से उसी में से क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, उसी के बारे में हम यहाँ रोजाना हमारी यूट्यूब चैनल GK 2020 पर चर्चा करते हैं। और यहाँ हम MCQ क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में निकाले जा सकते हैं और उसी के बारे में तो चर्चा करते ही है, लेकिन इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है और कई बार एग्जाम में पूछे लिए गए क्वेश्चन है उसी के बारे में भी हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको आज यहाँ इस करंट अफेयर में बहुत मजा आने वाला है। और आप सोच रहे होंगे कि करंट अफेयर का यह GK 2020 का वीडियो इतना लंबा क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बहुत अच्छी तरह पेश करते हैं और इसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पिक्चर है ना वो भी हम दिखाते हैं, इसीलिए यह वीडियो स्वाभाविक है कि वो लंबा हो जाता है। और हम हर रोजाना वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट में रख देते हैं, तो वहाँ लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी के जरिए ही आपको हमारे वीडियो के अपडेट आपके मोबाइल में मिल सकते हैं। इसीलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का फर्स्ट कंट्री बन गया है ताइवान, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है समलैंगिक विवाह की, तो समलैंगिक विवाह किसे बोलते हैं? दो लड़कियों के बीच का विवाह और दो जेंट्स के बीच का जो विवाह होता है उसे बोलते हैं समलैंगिक विवाह। और उसी के बारे में हाल ही में ताइवान के संसद में एक विधेयक पारित किया गया और उसे मान्यता दी गई, तो इसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ताइवान की संसद ने 17 मई 2019 को समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता प्रदान करने वाला विधेयक पारित कर दिया। ताइवान के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए वर्ष 2017 में सरकार को 2 साल का वक्त दिया था और यह अवधि 24 मई 2019 को समाप्त हो रही थी। और समाप्त होने से पहले इस जो विधेयक है उसे संसद में पार करना ही था। और यहाँ बात आती है समलैंगिक विवाह की, तो उसी के बारे में भी मैं बताता हूँ और देश और दुनिया में कौन कौन से हिलचाल है समलैंगिक विवाह के बारे में। तो ये देखिए, समलैंगिक विवाह कानूनी तौर पर या सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त एक ही लिंग के दो लोगों के विवाह को समलैंगिक विवाह कहते हैं। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश पूरे वर्ल्ड में पहला देश कौन था? नीदरलैंड। और जहां इससे 2001 में कानूनी मान्यता प्राप्त समलैंगिक विवाह नीदरलैंड के अतिरिक्त बेल्जियम, स्पेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान में भी मान्य है। तो सारे दुनिया में देखें तो 16 देशों में समलैंगिक जोड़ों के संयोजन को मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये याद रखना है आपको, पहला देश नीदरलैंड और एशिया का पहला कंट्री बन गया है ताइवान। तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और हम यहाँ बात करते हैं ताइवान कंट्री की, तो ये देखिए ताइवान, ताइवान का कैपिटल कौन सा है? ताइपे। ताइवान के हाल ही के राष्ट्रपति कौन है? साई इंग वेन, जो आप इमेज में देख रहे हैं वो है साई इंग वेन, ताइवान के राष्ट्रपति। और ताइवान की करेंसी क्या है? न्यू ताइवान डॉलर, जो ताइवान की करेंसी है। और ताइवान वह देश है जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ताइवान यूनाइटेड नेशंस कंट्री का सदस्य नहीं है। और यहाँ बात करते हैं ताइवान की, तो वो कहाँ पर स्थित है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए ताइवान, ताइवान के यहाँ पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? चीन। पश्चिम में स्थित है चीन, और उसके यहाँ पूर्व और यहाँ उत्तर, तो उत्तर पूर्व में स्थित देश है जापान। और ताइवान के यहाँ
दक्षिण में फिलीपींस कंट्री है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे आपको वर्ल्ड मैप यदि अच्छी तरह याद रह गया तो आपको समझने में काफी अच्छी मदद मिलेगी। आगे बढ़े तो दूसरा क्वेश्चन, हारून इंडिया आर्ट सूची में किस मूर्तिकार ने सर्वोच्च रैंकिंग हासिल किया है? तो हारून इंडिया आर्ट सूची में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल करने वाला व्यक्ति का नाम है अनीश कपूर, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, और यह हारून इंडिया आर्ट सूची में प्रथम क्रम पर रहे हैं, अकबर पद्मसी दूसरे स्थान पर रहे हैं और कृष्ण खन्ना तीसरे स्थान पर रहे हैं, और यह हारून इंडिया आर्ट सूची में उसकी जो अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के जो एनुअल ईयर है और उसी में सबसे ज्यादा आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रथम रैंक दिया गया है। तो इस दृष्टि से देखें तो हारून रिपोर्ट इंडिया तथा artprize.com ने 15 मई 2019 को 50 सर्वोच्च जीवित भारतीय कलाकारों के उनके कार्यों की अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के बीच बिक्री मूल्य के आधार पर पहली सूची यानी कि रैंकिंग जारी की है, और अनीश कपूर 167.25 करोड़ रुपये कलात्मक कार्यों की बिक्री की इस एनुअल ईयर में, और वे ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर तथा पत्थर से ज्यामितीय आकृतियां बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं वो है हमारे अनीश कपूर साहब, और उसी को हाल ही में हारून इंडिया रिपोर्ट के अनुसार यह प्राइस प्राप्त हुआ है। आगे बढ़े तो तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में परजीवी ऑर्किड फूल प्रजाति की खोज हुई है? यहां बात करते हैं परजीवी यानी कि जो दूसरे जीवों पर अपने जो खाद्य पदार्थ है उसी का आधार रखता है, तो वह परजीवी एक फूल प्रजाति हाल ही में खोज की गई है, तो और वो किस राज्य में? तो वो है असम राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यहां बात करते हैं परजीवी ऑर्किड फूल प्रजाति की, तो आप जो इमेज में देख रहे हैं वो है यह परजीवी फूल की प्रजाति, और उसी में फूल की जो पंखुड़ियां होती है उसमें कोई जीव बैठता है तो वो सिकुड़ जाती है, और उसी के जरिए यह फूल है वो परजीवी प्रजाति का हो गया। तो ये देखिए, असम के वनाधिकारी जतिंद्रा शर्मा ने असम में जापानी ऑर्किड प्रजाति के एक फूल की खोज की है, और यह एक परजीवी फूल है। इसका नाम लेकानोर्किस ताइवानिया है और भारत के सबसे छोटे ऑर्किड में से एक है, और यहाँ बात करते हैं यह परजीवी ऑर्किड फूल की, तो भारत में ऑर्किड की 1300 प्रजातियां पाई जाती है और 800 उनमें से पूर्वोत्तर राज्यों में, यानी कि असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में 800 ऑर्किड की प्रजातियां हैं और 300 प्रजातियां पश्चिम घाट में और 200 प्रजातियां पश्चिमोत्तर हिमालय में पाई जाती है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय न्यायाधीश को फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है? तो फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले है मदन भीमराव लोकुर, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, और वो फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में नियुक्त हुए है वो भारतीय न्यायाधीश। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम फिजी की, तो आप जो इमेज में देख रहे हैं वो है मदन भीमराव लोकुर, और उसे फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है। तो ये देखिए, वो कौन कौन से स्थान पर यह व्यक्ति भारत में रह चुके हैं? तो भारतीय के अतिरिक्त वो सॉलिसिटर जनरल, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी उसने कार्य किया है, सर्वोच्च न्यायालय में भी न्यायाधीश की भूमिका उसने निभाई है, और यहाँ बात करते हैं हम फिजी कंट्री के, तो फिजी कंट्री की कैपिटल क्या है? सुवा। आप ये इमेज में देखिए, ये है फिजी कंट्री जो एक द्वीपीय कंट्री है, और यहाँ पर जो समुद्र के तट पर स्थित है सुवा, तो सुवा फिजी कंट्री की कैपिटल है, और फिजी की करेंसी क्या है? फिजी डॉलर। तो फिजी डॉलर यह फिजी कंट्री की करेंसी है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा टेरेसा द्वीप भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यहां बात करते हैं टेरेसा द्वीप की,
और हाल ही में चर्चा में आ गया है क्योंकि वहां एक अभ्यास हुआ है, इसीलिए टेरेसा द्वीप चर्चा में है। तो टेरेसा द्वीप भारत के अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर स्थित है यह टेरेसा द्वीप, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहां बात करते हैं टेरेसा द्वीप की, तो ये मैप में देखिए, मैप में क्या है कि यह हमारा समझ लो कि यह इंडिया है और यहां श्रीलंका, तो यहां से यहां ये जो सारा एरिया है समुद्र में, और उसी को बोलते हैं हमारा अंडमान निकोबार द्वीप। और उसी को हमने यहां जूम करके जो तस्वीर ली है, तो अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है वहां पर यह स्थित है टेरेसा द्वीप, और हाल ही में यहां पर एक सैन्य अभ्यास हुआ है, इसीलिए यह बात करंट अफेयर में है। तो याद रखिए 9 मई को भारतीय सशस्त्र सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के टेरेसा द्वीप में बुल स्ट्राइक अभ्यास का आयोजन किया, और इस अभ्यास में भारतीय थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के 170 जवानों ने हिस्सा लिया, इसीलिए यह करंट अफेयर में। तो याद रखिएगा, आगे बढ़े छठा क्वेश्चन। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के विजेता टीम को कितनी राशि इनाम स्वरूप मिलेगी? तो हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यह राशि घोषित की है कि जो आईसीसी वर्ल्ड कप इंग्लैंड और थेल्स में आयोजित होने वाला है, उसी में विजेता टीम को कौन सी राशि प्रदान की जाएगी? तो वह राशि है $4 million, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और $4 million को यदि रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो 28 करोड़ रुपये इसकी राशि होती है। तो ये देखिए, हाल ही में चर्चा में है क्रिकेट विश्व कप 2019 की उप विजेता टीम को $2 million प्रदान किए जाएंगे, और सेमीफाइनल में हारने वाली टीम को $800,000 प्रदान किए जाएंगे। तो यह जो आंकड़ा है वो आपको याद रखना चाहिए। फिर से, जो विजेता टीम है उसे कितने, अच्छा आपने देख ही लिया है तो कमेंट बॉक्स में आप अच्छी तरह से टाइप करके हमें लिखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और यहां बात आती है क्रिकेट विश्व कप की, और जो 30 मई को स्टार्ट होने वाला है, तो इसी के बारे में इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आज मैं आपको बता रहा हूं। क्रिकेट विश्व कप 2019 क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण है, यार कि 12वीं बार यह क्रिकेट विश्व कप आयोजित होने जा रहा है। उसका आयोजन कहां हो रहा है दोस्तों? इंग्लैंड और वेल्स में। विश्व कप में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी, और उसी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज शामिल है। और विश्व कप में कुल 48 मैच खेले जाएंगे, और यह ट्रॉफी हाल ही में लॉन्च हो गई है, और क्रिकेट विश्व कप का जो थीम सॉन्ग है वो भी लॉन्च हो गया है, तो यूट्यूब आप देख लीजिएगा और यह सॉन्ग भी सुन लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन। हाल ही में श्रीलंका में मनाया गया राष्ट्रीय वेसाख सप्ताह किस धर्म से संबंधित है? तो राष्ट्रीय वेसाख सप्ताह श्रीलंका में जो मनाया गया है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और कल ही बौद्ध जयंती थी, और हमने बौद्ध के बारे में मैंने काफी अच्छी तरह आपको बताया था, और यदि आपने नहीं देखा है करंट का वीडियो तो कल का करंट अफेयर का वीडियो देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने कल बता दी है, और यदि आपको अच्छी तरह याद है तो कमेंट में लिखिएगा। हम बात कर रहे हैं वैसाख महोत्सव की, वैसाख सप्ताह की। तो ये देखिए, 15 मई को श्रीलंका ने राष्ट्रीय वैसाख सप्ताह की घोषणा की थी। इस उत्सव के द्वारा बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा परिनिर्वाण की घटनाओं को मनाया जाएगा। इस उत्सव का आयोजन श्रीलंका के गोल में राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना तथा वहां के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के संरक्षण में किया जाएगा, और हाल ही में यह सप्ताह जारी है। और यहां बात करते हैं हम श्रीलंका कंट्री की, तो ये देखिए श्रीलंका कंट्री, और श्रीलंका कंट्री की जब भी बात आती है तब मैं दो इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं। श्रीलंका की दो कैपिटल है, जो इसी की आर्थिक कैपिटल है उसी का नाम है कोलंबो, यानी कि कॉमर्शियल कैपिटल
कोलंबो है और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है जयवर्धनेपुरे कोट्टे, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़े आठवां क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किसने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाला है हमारे भारतीय नौसेना ने। यह MRSAM सफल मिसाइल का परीक्षण किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है MRSAM के सफल परीक्षण की, तो वो क्या है वो भी मैं बताता हूं। तो वह मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। यहां आप देखिए, जो हमारा यह बड़ा जहाज है जो दरिया में स्थित है, और वहां से यह ट्रायल लिया गया और यह परीक्षण, यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। तो ये देखिए, यहां पर हमारा जो मिसाइल है वो आकाश, यानी कि सतह से आकाश में मार करने वाली यह मिसाइल है, और यह परीक्षण भारतीय नौसेना रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा मिलकर किया गया है। इस मिसाइल को भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। तो तीन बातें आपको याद रखनी है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा यह तैयार किया गया है, और सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है, और भारतीय नौसेना द्वारा यह परीक्षण किया गया। आगे बढ़े तो नौवां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व एड्स टीका दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया गया है कल ही 18 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हर साल 18 मई को वर्ल्ड एड्स टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस को और कौन कौन से नाम से पहचाना जाता है वो ए देखिए। विश्व एड्स टीका दिवस, जिसे हम HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के तौर भी हम मनाते हैं, तो 18 मई को प्रतिवर्ष यह डे मनाया जाता है। विश्व एड्स टीका दिवस की अवधारणा 18 मई 1997 को मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में तत्कालीन राष्ट्रपति, जो USA के तत्कालीन राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन द्वारा इसे शुरू किया गया था। और पहला विश्व एड्स टीका दिवस 18 मई 1998 को बिल क्लिंटन के भाषण की सालगिरह और आज की परंपरा को मनाने के प्रयास से यह दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा तीन चार बातें जो मैंने यहाँ पिंक कलर में फॉन्ट रख दिए हैं, वो आपको याद रखने ही चाहिए। दसवां क्वेश्चन, हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस वो भी 18 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है 18 मई को, तो उस दिन की थीम क्या रखी गई थी? तो इस दिन की थीम रखी गई थी म्यूजियम्स एज कल्चरल हब द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशन, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है यह म्यूजियम एज कल्चर हब यानी कि थीम की, तो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का इतिहास सबसे पहले आप जान लीजिए। 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, जिसे आईकॉम शॉर्ट नाम से जाना जाता है, और उसी ने अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की शुरुआत की थी, यानी कि आईकॉम ने यह अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की शुरुआत की। और हाल में इसकी थीम क्या रखी गई, जो इस क्वेश्चन का आंसर था म्यूजियम एज कल्चरल हब द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशन, तो उसी थीम को हिंदी में यदि पूछा जाए तो क्या नाम होगा? अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की 2019 की जो हिंदी में थीम रखी गई है उसी का नाम है सांस्कृतिक गढ़ के तौर पर संग्रहालय परंपराओं का भविष्य। यदि हिंदी में यदि क्वेश्चन निकालते हैं तो आपको ये लिखना है, इंग्लिश में थीम पूछते हैं तो आपको ये लिखना है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति को उज्जीवन शॉर्ट फाइनेंशियल बैंक में RBI ने MD नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है उसी का नाम है उज्जीवन,
और उसी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है हमारे नितिन चूघ को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की, तो आप ये इमेज में देखिए जिसका नाम है उज्जीवन। उज्जीवन क्या है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है और उसी के हाल ही के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है नितिन चूघ को। और इसी के बारे में मैं आपको बताता हूं, ये देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के डिजिटल बैंकिंग प्रमुख नितिन चूघ की नियुक्ति उज्जीवन लघु वित्त बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मंजूरी दे दी है। यानी कि MD एंड CEO ऑफ उज्जैन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, तो उसी का नाम है नितिन चूघ। और 12वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा अल वकाह का अल जानोब स्टेडियम किस खेल के लिए तैयार किया गया है? तो यहां याद रखिएगा अल वकाह का अल जानोब स्टेडियम और वह तैयार किया गया है, इवेंट का नाम है फुटबॉल, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और जो यह स्टेडियम है अल जानोब स्टेडियम वो कहां पर स्थित है, तो वो आपको याद रखना चाहिए वो कतर में स्थित है, UAE में। जो 2000 यानी कि 2022 का फुटबॉल का वर्ल्ड कप जहां आयोजित होने वाला है और उसी के तौर पर यह करंट अफेयर में आ गया है। यह जो आप देख रहे हैं इमेज, बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है फुटबॉल का और उसी का हाल ही में जो करंट अफेयर में आया है इवेंट वो मैं बताता हूँ। ये देखिए अल जानोब स्टेडियम, जिसे पूर्व में अल वकरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, और अल वकरा जो कतर में एक फुटबॉल स्टेडियम है जिसका उद्घाटन 16 मई 2019 को ही हुआ और यह 2022 फीफा विश्व कप के लिए 8 स्टेडियमों में से कतर में पहला स्टेडियम है। यानी कि 8 स्टेडियम तैयार किए जाने हैं और उसी में से पहला स्टेडियम जिसका नाम है अल जानोब स्टेडियम, तो यह करंट अफेयर में है। और आगे बढ़ते हैं कल के वीडियो के क्वेश्चन की ओर। तो कल के वीडियो में क्वेश्चन में मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि 16 मई किस राज्य का स्थापना दिवस है, तो 16 मई सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस है और सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर है दिया है, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और यहाँ बात करते हैं हम सिक्किम राज्य की, तो ये देखिए सिक्किम, सिक्किम की मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, सिक्किम जो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के पश्चात दूसरे नंबर का न्यूनतम स्टेट है, यानी कि सबसे जो एरिया की दृष्टि से देखें तो गोवा पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर एरिया की दृष्टि से स्मॉल स्टेट है सिक्किम। और सिक्किम उसे तीन देश की जो बॉर्डर है वो टच करती है, यहां देखें तो एक तरफ चीन, दूसरी तरफ भूटान और इस तरफ नेपाल, तो सिक्किम को तीन देश की बॉर्डर टच करती है, वो आप समझ लीजिएगा। और कल ही मैंने सिक्किम के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो भी मैंने आपको बताई थी। ये देखिए 16 मई 1975 को सिक्किम का आधिकारिक रूप से भारतीय संघ में विलय हो गया और वह देश का 22वां राज्य बन गया। और सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के हाल ही के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद, ये रहे गंगा प्रसाद। और सिक्किम के हाल ही के चीफ मिनिस्टर कौन है? पवन कुमार चामलिंग, ये है पवन कुमार चामलिंग। तो सिक्किम के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। और आज के वीडियो का क्वेश्चन क्या है? कौन सा देश पहली बार सेना स्काउट मास्टर प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा? और चार ऑप्शन यहां आपकी स्क्रीन पर है, उसी में से आपको बताना है कि कौन सा देश सेना स्काउट्स मास्टर प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाला है। और सही आंसर चुनकर आपको मुझे बताना है यहां आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हुआ होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और आपके मोबाइल में जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट है उसी की मदद से आपके दोस्तों को इस करंट अफेयर की वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।